बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का कोर्स कोड जो लेक्चर नंबर 1 दूंगी, कोर्स कोड 123212223 केमिकल सेकंड ईयर, सिविल एंड मैकेनिकल सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, ये सब स्टूडेंट्स जो हैं उनका सेम चैप्टर है द स्ट्रेट लाइन। आप लोगों के बुक में डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स हैं, इसलिए एक्सरसाइजेस का नेम भी मैंने मेंशन कर दिया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। आप लोगों ने एक तो स्लोप फाइंड करनी है और दूसरा आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आप लोगों के पास फर्स्ट ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू पी, और साथ उसने कंडीशन दी है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि उसने बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा है। बी नॉट इक्वल टू जीरो उसने इसलिए कहा है कि अगर आप इस इक्वेशन में बी को जीरो पुट करते हैं तो जीरो मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू जीरो, बी की जगह जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। आई मीन कि ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, इट मीन्स कि आप ना तो स्लोप फाइंड कर सकेंगे और ना ही आप लोग इसका इंटरसेप्ट फाइंड कर सकेंगे, वाई इंटरसेप्ट। मैंने यहां पे सॉल्यूशन है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमारे पास जो सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम लोगों ने चेंज करना है इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहां पे मैं कहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू बी इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले देखें कि यहां पे हमारे पास y वाली क्वांटिटी है, x वाली क्वांटिटी दूसरी साइड पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए एक्स को शिफ्ट करूंगी, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी, देखें b के साथ ऑलरेडी पॉजिटिव साइन था। अब आप लोगों के पास यहां देखें y के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है, इसलिए आप b को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे ताकि यहां पे y एज अ सिंगुलर हो, डिवाइडिंग बाय b ऑन बोथ साइड, बी वाई डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू माइनस a बाय बी एक्स प्लस b बाय b, b एंड b कैंसिल, b एंड b कैंसिल। इसके बाद आप लोग देखें कि b और b कैंसिल हो गया तो पीछे बचा y इक्वल्स टू माइनस a बाय b इंटू एक्स प्लस वन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y है यहां पे भी y है, m की जगह यहां इस इक्वेशन में हमारे पास है माइनस ए बाई बी, x एज यूजुअल है और हमारे पास c की जगह यहां पे है वन, तो यहां पे आप लोग लिख देंगे साथ y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी इक्वल टू वन। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 मेरे पास या पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 2 का, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू वाई इक्वल टू 2। अगेन हम लोग लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चेंज आप लोग इसको बेशक 1 का नाम दे दें, चेंजिंग इक्वेशन 1 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप लोग देखें यहां पे हमारे पास ये एलिमेंट एज यूजुअल रहेगा, यहां पे बेशक लिख दें 1 इंप्लाइज डेल्टा,
इक्वल टू के इस साइड पे अंडर रूट टू एक्स को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस टू एज यू ये लिखेंगे। अगेन इस इक्वेशन में हमारे पास y के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस अंडर रूट 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 1 माइनस अंडर रूट 2 ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू वाई इक्वल्स टू, इसके अलग अलग में जो है वो स्टेप शॉर्ट कर रही हूँ और अलग अलग खुद ही डिवाइड कर रही हूँ। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2। अगर इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो y m की जगह यहां पे हमारे पास है माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 और c की जगह यहां पे है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 वेयर c इज कार्ड y इंटरसेप्ट।